अस्सलाम वालेकुम। जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैक्सिमम दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्वेश्चन भी आपको इसी तरह आएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, या फिर एप्लीकेशंस ये भी आ सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस बड़ी इजी है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है। यहाँ पर फिर दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि इंसान का जिस्म से लेके जो इंसान पहनता है, खाता है, पीता है, मैक्सिमम चीजों की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मास है वाटर के, वाटर वाहद है जो इंसान पी रहा है, और ये इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा जितनी भी खुराकें खा रहे हैं, सब्जी, दालें, जो भी चीज है, गोश्त वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले नंबर पे कहता है इंसान के जिस्म के अंदर जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और इंसान की बॉडी प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर बनी हुई है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले नंबर पर इंसान की बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेकंड नंबर पर इंसान के जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाने के बाद वहां पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होकर एनर्जी हमें मिलती है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं इंसान के जिस्म में, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। मैक्सिमम फंक्शन जो है, जो ऑर्गेनेल्स आपके कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक। मसलन हीमोग्लोबिन जो है, ये हमारे जिस्म में ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, ऐसे ही है। अब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी प्रोटीन के साथ मिलकर बनी है, अमीनो एसिड के साथ मिलकर बनी हुई है, सही है। ये हमारे पास सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, हमारे जिस्म से लेके हमारे जिस्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारा जिस्म बना हुआ है किन किन चीजों से, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ETC, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये वाली चीज हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है असल में। अब सेकंड पॉइंट बना लें, इसी के अंदर लिख लें। सेकंड पॉइंट क्या है कि इंसान के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, एक होते हैं एनाबॉलिक और एक होते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बना देती हैं। मसलन अमीनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं और पूरा का पूरा जिस्म गोश्त वगैरह बनाना शुरू कर देता है आपके जिस्म का। इसी तरह कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो बड़ी चीजें टूटती हैं छोटी चीजों में। मसलन जब खुराक आपकी हजम हो रही होती है, उस वक्त कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व, जो कि शामिल होते हैं, इन्वॉल्व इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म है, आर ऑर्गेनिक इन नेचर, आर ऑर्गेनिक इन नेचर, इन नेचर। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए, इंसान जो चीज पहनता है, जो भी चीज पहनता है, क्लॉथ्स हो, शूज हो, बैग्स, शीट्स वगैरह, जो भी चीजें, बेड शीट्स वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोथ्स तो जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे सेलुलोज के साथ मिलकर बने होते हैं। किसके साथ मिलकर बनते हैं, सेलुलोज के साथ। ये बात आपने याद रखनी है, क्लोथ्स जितने भी कॉटन के साथ मिलकर बने हुए हैं क्लोथ्स, और कॉटन में 99% सेलुलोज होती है। और ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ, ये सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर बात करें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, 97% ऑलमोस्ट वाटर है, H2O, सही है। अब यही बात हमने यहां पे लिखनी है,
क्लॉथ्स, शूज, बैग्स, बेडशीट्स, बेडशीट्स, ईटीसी, ईटीसी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो शूज बनते हैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो लेदर के होते हैं, और लेदर आपको पता है चमड़ा है, और चमड़े के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होती है। सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, शूज के अलावा मेडिसिन, जितनी भी आपके इर्द गिर्द मैक्सिमम मेडिसिन हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक मेडिसिन जो होती है वो ज्यादा महंगी होती है बनिस्बत इनऑर्गेनिक। सही। मैक्सिमम मेडिसिन ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। सही है। और इसकी मैंने एग्जांपल बताई थी कि कभी वो मेडिसिन लेके आए ना, जो खुसूसन टैबलेट्स लेके आए, उसके अंदर एक पर्चेस ही होती है, उसमें फॉर्मूला लिखा होता है, बेशक फॉर्मूला निकाल के चेक कर लिया करें, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला दिया गया होता है, वहां से हमें पता चल जाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग चार पांच जोड़ के साथ में कोई 500 उसने फंक्शन ग्रुप लगाए होते हैं, फिर वो जाकर फॉर्मूला बनता है। सही है। अब यहाँ पे यही चीज हम बताने लगे, जितनी मेडिसिन हैं, मोस्ट ऑफ मेडिसिन आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक इन नेचर, इन नेचर। इसके बाद कर लेते हैं एग्रीकल्चर की बात। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, ये बात चीजें याद रखने का ना कोई तरीकाकार होता है, आप ऐसे वो आगे पीछे ना देखें। मैं पहले इंसान की बात की, फिर इंसान जो चीजें पहनता है सही उन चीजों की बात की है, फिर इसके बाद मेडिसिन वगैरह की बात कर रहा हूँ, फिर एग्रीकल्चर पे आ रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको याद करना भी ईजी हो जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो इतना भी 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो चल जाएगा। अब एग्रीकल्चर के अंदर कहता है मैक्सिमम खादे, मैक्सिमम खादे कौन सी, यूरिया ही है। सही है, जो मैक्सिमम अब यूज हो रही है। यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जितने पेस्टिसाइड्स कहते हैं ये स्प्रे वगैरह को, और आपको बताया था जहां पे वर्ड साइड आ जाए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, उस साइड का मतलब है किल करने वाला, फंगिसाइड फंगस को किल करने वाला, इंसेक्टिसाइड हशरात को किल करने वाला। सही है। अगर जितने भी फंगिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हैं एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रही हैं, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। मोस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, कि इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज भी ऑर्गेनिक नेचर है। मसलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यही बात कर ले फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक्स। इसके बाद एक वर्ड होता है वार्निशेज, वार्निशेज होता है जब वो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना, पहले तो सिंपल लकड़ी से होती है, उसके ऊपर जो पॉलिश करते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर चमक आ जाती है, उसको वार्निशेज कहते हैं। सही है। ये वार्निशेज वगैरह भी सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज शुगर, फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक्स कहते हैं जो मेकअप वगैरह का सामान जहां बनता है, कॉस्मेटिक्स, वार्निशेज, एटीसी आर आल्सो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर आल्सो रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये चीजें हमारे पास चंद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस, तो ये चार पांच पांच छह पॉइंट्स हो गए हैं। इनमें से अगर लोगों को क्वेश्चन आता है कोई तीन चार भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, तीन चार याद रह जाते हैं। इंसान के इर्द गिर्द जितनी मैक्सिमम चीजें सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बस इतनी बात याद रखना है। इंसान के जिस्म से लेके इर्द गिर्द जो भी चीज पहन रहा है, मास और वाटर के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
इसके अलावा कहता है जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो इंसान खाता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ये भी लिख लें, ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड वेजिटेबल्स विच ह्यूमन मीट या विच ह्यूमन ईट्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी सब्जियां या फल वगैरह इंसान खा रहा है ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यदि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद